हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि लड़की के सामने अपना स्वभाव कैसा रखें कि वो आपको भाव देने लगे। अगर एक लड़की आपको भाव नहीं दे रही है और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपके नेचर, आपके स्वभाव की वजह से आपको पसंद नहीं करती है, जबकि और लड़कों से बहुत अच्छे से बात करती है, अच्छे से पेश आती है, जहाँ आपकी बारी आती है तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, ठीक है, भाव बढ़ जाते हैं उसके, तब ऐसा क्या करें या अपना स्वभाव कैसा रखें जिससे वो लड़की आपको भाव देना शुरू कर दे, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरे ब्लॉग वीडियो देखने हैं तो प्लीज मेरा ब्लॉग चैनल भी चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा लगे तो प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आई वीडियो स्टार्ट कर दें। देखो, सबसे पहले तो अगर एक लड़की आपके सामने बहुत ज्यादा भाव खा रही है, ठीक है, तो ये जानने की कोशिश करो कि क्या सच में ऐसा है कि वो आपके नेचर, आपके स्वभाव की वजह से आपको भाव नहीं दे रही है या फिर कोई और रीजन है, ठीक है। देखो कि और लड़के हैं वो भी आपके नेचर, आपके स्वभाव की तरह हैं, लेकिन उन लड़कों से बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन आपसे बात नहीं करती है, तो मे भी ऐसा हो सकता है उसे आपकी कुछ आदतें पसंद नहीं है, ठीक है, आपके कुछ काम अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपका बिहेवियर उसके साथ थोड़ा सा अजीब हो जाता है, आप थोड़ा सा अलग बिहेव करने लगते हो उसको देख कर या उसके साथ में, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा भाव खाने लगी है, ठीक है, या फिर भाव खा रही है। तो जब आप उस लड़की को जानने की कोशिश करोगे, उसको समझना शुरू कर दोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो भाव क्यों खा रही है, और उसके बाद जो है ना, आप उसके सामने वही काम करोगे जो आपको करने चाहिए, ठीक है, वैसे वैसा कोई भी काम नहीं करोगे जिससे वो आपके सामने भाव खाए, ठीक है। तो इसके लिए आप एक तो रीजन जानो कि लड़की भाव क्यों खा रही है। अगर आपको लगता है कि किसी आदत की वजह से वो भाव खा रही है, तो उस चीज को दूर करने की कोशिश करो, तो मे भी ऐसा करने से लड़की आपको भाव देना शुरू कर दे। दूसरा काम कि अगर आप ये गलती कर रहे हो कि जहाँ लड़की देखी नहीं वहाँ जोक बनकर उसे चिपक ही जाते हो, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस वजह से लड़की आपको भाव नहीं दे रही है। तो अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि आप, अगर लड़की थोड़ी सी बातचीत करती है तो आप उसको छोड़ते ही नहीं हो, मतलब फ्री छोड़ते ही नहीं हो, बात कर रही है तो करते रहते हो, वो आपसे बोर हो रही है, परेशान हो रही है, लेकिन आपको उससे बातें करनी है। अगर इस टाइप का नेचर आपका है, ठीक है, तो भी इस नेचर को बदलने की कोशिश करो, मे बी ये भी हो सकता है कि वो इस वजह से आपके सामने बहुत ज़्यादा भाव खाती है, आपसे बात करना पसंद नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि ऐसे लड़कों को लड़कियाँ नहीं पसंद करती जो चिपकू नेचर के होते हैं, ठीक है, तो ये काम भी करना बंद कर दो। इसके अलावा कई बार ये चीज़ भी होती है कि लड़की के भाव जो है ना, इस वजह से भी बढ़ जाते हैं कि उसे पता चल जाता है कि कोई लड़का उनमें इंटरेस्टेड है, ठीक है, उन्हें लाइक करता है, और उस टाइम पे अगर आप वैसा ही बिहेव करते हो कि लड़की को आप दिखा रहे हो कि आप उसे लाइक करते हो, आप उसको देख देख कर मुस्कुरा रहे हो, ठीक है, उसको लाइन पास कर रहे हो, ठीक है, आपका बिहेवियर अलग हो रहा है, और लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब वो आपके सामने आती है तो आप अलग रिएक्ट करने लगते हो, जिसको देखकर उसको समझ आ गया है कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो और इस वजह से वो भाव खा रही है, तो इस चीज़ को कम करने की कोशिश करो, उसको मत दिखाओ कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, ठीक है, ये भी एक रीज़न होता है जिस वजह से लड़की भाव खाने लगती है, तो इस नेचर को भी आप बदलने की कोशिश करो। इसके अलावा अगला ये भी होता है कि देखो, लड़की के सामने आपको ऐसा बिहेव करना है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, क्योंकि लड़कियों को ना ऐसे लड़के अच्छे लगते हैं। अगर एक लड़की बॉयफ्रेंड को, एक लड़के को बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है ना, तो ज़्यादातर लड़कियों की डिमांड ऐसे लड़के होते हैं या इस स्वभाव के लड़के होते हैं जो लड़के केयरिंग हो और लविंग टाइप के हों, जिनका नेचर इस टाइप का होता है। तो कोशिश ये करो कि आप लड़की को दिखाओ कि आप वैसे ही स्वभाव के हो, आपके अंदर थोड़ा सा लविंग नेचर है, आप केयर करते हो दूसरों की, रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, आपको प्यार को जताना आता है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो लड़की आप में इंटरेस्ट दिखाने लगे। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिससे लड़की आप में इंटरेस्ट दिखाने लगेगी या फिर आपको भाव देना शुरू कर देगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।